नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। नहीं, जरूरत आपको एक नौकरी की है, उतनी ही जरूरत एक कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय की भी है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब नहीं भी चाहते हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, बट रिक्रूटर्स आपको खुद अप्रोच करें। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, आई एम खुशी। अगर आप इंडिया से बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके रास्ते जर्मनी में नौकरी के लिए आखिर कैसे खुल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, हर टिप्स हर ट्रिक्स बताऊंगी जिसको यूज करके आप ना सिर्फ जर्मनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बल्कि शॉर्टलिस्ट भी हो सकते हैं और जल्द ही नौकरी पा भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इंडिया में हैं और वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो आपकी डिग्री है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो वैलिडेट है या नहीं, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, बाई चांस शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा अगर आपकी डिग्री जो है वो वैलिडेट नहीं है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैलिडेट नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जहां पर जाकर आप ये आराम से चेक कर सकते हैं कि जो आपकी डिग्री है वो वैलिडेट है या नहीं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहां पर है, जो ऑलरेडी लोग यहां पर नौकरी कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी वीजा मिला हुआ है तो उनकी जो डिग्री है वो वैलिडेट होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, नौकरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा सीवी, एक अच्छा रेज्यूमे। आप इंडिया में अप्लाई करें, इंडिया के बाहर अप्लाई करें, दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई करें, एक अच्छा सीवी ही है जो आपको एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। तो सबसे पहले आप एक बेहतरीन सीवी बनाइए। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सीवी को यूरोपास फॉर्मेट में ही बनाए। उसमें टॉप राइट साइड कॉर्नर पर आपकी एक फॉर्मल फोटो लगी होनी चाहिए, आपके बारे में डिटेल्स, आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। और ध्यान रखिए, अपने स्किल्स के साथ आप अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो भी सीवी में मेंशन करें। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप किसी चैरिटी में हैं, तो ये सब चीज़ें अपने सीवी में ज़रूर डालिए, क्योंकि जर्मन रिक्रूटर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को काफ़ी वेटेज देते हैं। तो एक अच्छा सीवी बनाइए, उसमें अपने बारे में सब कुछ बताइए। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, और अगर प्रोफिशिएंसी नहीं भी है, कोई भी लेवल है, अगर बिगिनर भी हैं आप, तो प्लीज़ उसको मेंशन ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना जर्मन लैंग्वेज के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जर्मन लैंग्वेज नहीं आने की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। जर्मन आती होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, नहीं आती होगी तो थोड़ी कम है, लेकिन नौकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो एक अच्छा सीवी बनाइए ताकि जो रिक्रूटर्स हैं उन पर आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाए। आप जब किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं उनको अपने सीवी में ज़रूर डालिए, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए हज़ार लोग और अप्लाई कर रहे होंगे और सॉफ्टवेयर के थ्रू शॉर्टलिस्ट होते हैं सीवी, और अगर वो कीवर्ड्स आपके सीवी में नहीं होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग लेवल पर ही। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो सारे कीवर्ड्स अपने सीवी में डालें ताकि आप जो है एक पायदान और चढ़ सके नौकरी के पास। तो ये तो रही सीवी की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ गुड कवर लेटर। देखिए, कवर लेटर का कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। देखिए, कवर लेटर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास सीवीज पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको बहुत सारी पोजीशंस फिल करनी होती है। तो कवर लेटर वो पढ़ते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो आगे पास ऑन करते हैं जिस भी जो मैनेजर है उनको रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको कॉल आता है। तो कवर लेटर एक ऐसा कवर लेटर होना चाहिए जिसमें ना सिर्फ आप अपनी स्किल्स बताएं बल्कि ये भी बताएं कि उनको आपको हायर करके क्या फायदा होगा। तो बेसिकली कवर लेटर में यू हैव टू कन्विंस द रिक्रूटर व्हाई शुड दे हायर यू। तो कवर लेटर में आप वो सब बातें लिखिए जिन बातों से रिक्रूटर आपको हायर कर सकता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप कैसे फिट हैं, उनका क्या फायदा होगा, आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उस प्रोफाइल में फिट होके, कंपनी की ग्रोथ के लिए आप कितने हेल्पफुल साबित होंगे, ये सब बातें अपने कवर लेटर में बताएं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कवर लेटर बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए कि वो बोरिंग साउंड करने लगे। ट्राई कीजिए कि कवर लेटर शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, छोटा हो और उसमें सारी काम की बातें हो, जिसे पढ़कर फटाफट से आप शॉर्टलिस्ट हो जाए और आपको फर्स्ट इंटरव्यू की कॉल आ जाए। एक और बात इंपॉर्टेंट है कवर लेटर के लिए कि देखिए, हर जॉब के लिए आप कवर लेटर अलग से बनाइए। ऐसा नहीं है कि एक बार कवर लेटर बनाया और हर जॉब पे चेप दिया। तो देखिए, जब आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 100 नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 100 में वही सेम कवर लेटर छेपते रहे। यहाँ पर आप बिना देखे ही रिजेक्ट हो जाएंगे और आपका जो रिक्रूटर है उस पर बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो ना सिर्फ आप उस जॉब के लिए रिजेक्ट होंगे बल्कि बाकी के जॉब्स के लिए भी आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। आपका जो कवर लेटर है वो रिक्रूटर पर बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है, तो
प्लीज़ उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, वक्त बिताइए, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब्स के अंदर, उससे मैच करें आपका कवर लेटर, ऐसा बनाइए। हर जॉब के हिसाब से कवर लेटर बनाइए, हर जॉब के लिए एक मत शेप दीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप हर कवर लेटर में मेहनत करेंगे तो वो दिखेगी और जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि प्लीज़ हर जॉब के लिए अलग अलग कवर लेटर बनाएं, अलग अलग टाइम स्पेंड करें। हर बार जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर बार कवर लेटर पर वक्त दे, वक्त बिताए, कम से कम 2-2.5 घंटा बिताए अच्छे से। एक जेनरिक कवर लेटर आपके पास बना होगा, उसके बाद भी आप वक्त बिताए कवर लेटर बनाने में, ताकि जो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाए। क्योंकि एक अच्छा कवर लेटर आपको नौकरी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। ये तो बात रही सीवी और कवर लेटर की, लेकिन अब आप सोचेंगे कि सीवी भी है, कवर लेटर भी, अब जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। तो जॉब्स के लिए अप्लाई करने का सबसे बेहतरीन आजकल जो प्लेटफॉर्म चल रहा है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर ना सिर्फ जॉब सीकर्स होते हैं बल्कि रिक्रूटर्स भी होते हैं। तो एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, एक बहुत अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं विद अ फॉर्मल पिक्चर। ध्यान में रखें कि जो लिंक्डइन है ना, वो बाकी सोशल मीडिया अकाउंट की तरह नहीं है, तो प्लीज़ फॉर्मल रहे। वहाँ पर जो आपके फील्ड के लोग हैं, जो बाहर हैं ऑलरेडी, उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, जर्मन रिक्रूटर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। और रिकमेंडेशंस मांगिए, आप जहाँ पर आपने पास्ट में काम किया है आप उन लोग से रिकमेंडेशन मांग सकते हो, अपने मैनेजर से, अपने कुलीग से। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत लोगों से रिकमेंडेशन मांगे और आपको वो ना दे, तो इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। आपकी ज़रूरत है आप रिकमेंडेशन मांगिए, जितनी ज़्यादा रिकमेंडेशन आपके पास होगी आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उतना अच्छा होगा और वो रिक्रूटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। अगर जर्मन लैंग्वेज आपको आती है या उसमें आप बिगिनर भी है, कुछ भी, कोई और लैंग्वेज भी आती है, तो वो भी सब आप मेंशन कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन प्रोफाइल एक दिन में बन जाता है कि आप अभी मेरा वीडियो देखने के बाद गए, बैठे, ठक 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 फोटो डाली, अपने बारे में डाला, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाला और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बन गया। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, और ऐसे लिंक्डइन प्रोफाइल पर तो आपको नौकरी मिल गई। तो लिंक्डइन प्रोफाइल में वक्त लगता है, वो बिल्ड होता है धीरे 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 धीरे, 1 महीना 2 महीने धीरे धीरे बिल्ड होगा। धीरे धीरे लोगों से रिकमेंडेशंस मांगिए, अच्छे कनेक्शन बिल्ड कीजिए, नौकरियों के लिए अप्लाई कीजिए। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब नहीं भी चाहते हैं, आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, बट रिक्रूटर्स आपको खुद अप्रोच करें आपका प्रोफाइल देखकर, क्योंकि आपका प्रोफाइल उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो वो आपसे आपका सीवी मांग सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जितनी ज़रूरत आपको एक नौकरी की है, उतनी ही ज़रूरत एक कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय की भी है। तो अगर आप बहुत सारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ से आंसर नहीं आता, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये एक 2-वे प्रोसेस है, आपको नौकरी चाहिए और उन्हें एम्प्लॉय चाहिए। तो जब 2 सही लोग मिल जाएंगे आपस में, तो आपको नौकरी मिल जाएगी और उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो फटाफट से अपना सीवी बनाइए, कवर लेटर बनाइए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइए, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। आके आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जॉब्स के लिए अप्लाई करना फटाफट शुरू कर दीजिए और डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, देर सवेर नौकरी मिल ही जाएगी। काम कीजिए अपने स्किल्स पे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ एंड स्टार्ट अप्लाइंग। देखिए, रिजेक्शन के डर से अगर अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो अप्लाई करते रहिए, रिजेक्ट होंगे लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि जिस भी किसी से आप पूछेंगे, अपने सीनियर से, किसी को भी एक दिन में नौकरी नहीं मिल गई। जितने भी लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं उन्हें भी पहली बार अप्लाई करते ही नौकरी नहीं मिल गई थी, उन्होंने भी हज़ारों इंटरव्यूज दिए, हज़ारों नौकरियों के लिए अप्लाई किया, तब जाके वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो डिसअपॉइंट मत होइए अगर आप 10 20 50 जॉब इंटरव्यूज दे देते हैं, या अगर आप 1000 जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, 50 जॉब इंटरव्यूज दे देते हैं, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, बस अप्लाई करना मत छोड़िएगा। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।